सर आई लव यू एंथुसिएज्म, आप जैसे हैं वैसे ऑलवेज। तो कुछ शब्द, दो शब्द कहना चाहिए। ये सब जो सीन देखिए वो देखने के बाद तो मुझे लगता है मेरा अवार्ड छीन लेना चाहिए। काफी बुरी एक्टिंग करता था। चलो थैंक यू वेरी मच। बट जैसे कि सुभाष ने कहा कि हम अभी भी सिर्फ एक स्टूडेंट ही हैं और सीख रहे हैं, और ये देखने के बाद तो जरूर मुझे लगता है कि मुझे बहुत कुछ सीखने आ रही है। मगर फिर भी मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और यहाँ सुभाष जी हैं तो उनके हाथों से मुझे अवार्ड मिला, इससे बड़ी खुशी की बात है। और क्या आप आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो इनकी वजह से, इनका बहुत योगदान रहा है मेरे करियर में, मेरी लाइफ में, और उनको पता है कि दिल से मैं हमेशा इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मिले ना मिले, मगर मेरे ख्याल से जितने भी इनके कलाकार जिनके साथ इन्होंने काम किया, सबसे अलग नहीं मिलता हूँ और मिलता रहूँगा। और सुभाष जी बिजी रहते हैं, और जब उनको वक्त मिलता है तो जब भी मुझे कभी फ़ोन करते हैं तो मैं हमेशा उनके लिए हाजिर रहता हूँ। सही है किशोर सर, राइट वन। एक सेकंड सर, मुझे बोलने दीजिए, आपकी तारीफ कर रहा हूँ सर। जितनी फिल्में करी तो आपके पास हाथ में माइक होता था और हमें बोलने नहीं देते। आज मुझे मौका मिला तो मुझे बोलने दीजिए। और यहाँ जूही जी हैं, रवीना जी हैं, मेरी फेवरेट प्रियंका जी की मम्मी हैं, और गणेश जी हैं, अजीज मेरे प्यारे भाई हैं यहाँ, अनुपम खेत जी। और जैसे कि सुभाष जी ने कहा कि बहुत से अवार्ड्स होते हैं, मगर कभी कभी कुछ अवार्ड्स होते हैं जो आपको इमोशनल कर देते हैं, और ये एक ऐसा अवार्ड है जिससे आज ये पाकर मुझे बहुत बहुत खुशी मिली। थैंक यू वेरी मच सुभाष जी, माइक इज ऑन टू यू। अभी मेरी तारीफ करेंगे। तीस साल पहले मिला ऐसा ही था, 20 साल पहले मिला ऐसा ही था, 10 साल पहले मिला ऐसा ही था, 5 साल 5 महीने ऐसा ही था, अभी भी ऐसा है और ऐसा ही रहेगा। काम करने की, काम मांगने की और काम खोजने की इच्छा आज तक इसकी नहीं गई। पेट भर जाना चाहिए ना एक समय, कितने अवार्ड कितना काम किया है फिर भी नहीं, इसको एक रोल से अच्छा होना चाहिए। यही है कलाकार की सबसे बड़ी गॉड ब्लेस यू। मैं इन्हें हमेशा इसीलिए लाडला के नाम से पुकारता हूँ क्योंकि ये लाडला पान। जब मैं बोलता हूँ कि थोड़ी सी मुझे थोड़ा रिकवर कर लीजिए 1-1.5 महीने के बाद, आई प्रॉमिस यू आई कम एंड डांस, बट लेट मी रिकवर माय लेफ्ट लेग, इट्स रियली ट्रबलिंग मी, आई कैन रियली नॉट डांस। थैंक यू वेरी मच। एक बात बता, एक आपको सॉफ्टवेयर दे दूंगा, अच्छा सॉफ्टवेयर, बहुत दिल खोल के बहुत लोगों को दिया, फ्री दिया और सारी जिंदगी फ्री देता रहूंगा, पैसे के बिना बहुत काम किया। और मुझे लगता है कि आज मेरी लॉन्जिविटी में इसका बहुत बड़ा हाथ है, कभी ऐसे सोचा नहीं कभी पैसों के बारे में, दिल से किया जो भी किया और दिल से ही करूँगा। और डांस करना है तो दिल खोल के करना, हाफ हार्टेड डांस करके ऐसे ऐसे करके क्या फायदा, ऐसा डांस करना कि सब जो वहाँ बैठे हैं वो उठ कर यहाँ आ जाए और मेरे साथ डांस करें। तो बात करें, आई प्रॉमिस यू टू थैंक यू। मेरी नॉट सो ग्रेट फिल्मों का भी उतना ही बड़ा हाथ है जितना मेरी अच्छी फिल्मों का हाथ है। टू मी लाइफ इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन, एज लॉन्ग एज यू एंजॉय द जर्नी डेस्टिनेशन विल ऑलवेज बी वंडरफुल। आज 508 फिल्मों और 32 साल के बाद एक क्लिप देख कर लगता है कि नए सिरे से शुरुआत करनी चाहिए, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है व्हेन यू हैव एन एक्टिंग स्कूल, वॉच दिस परफॉर्मेंस एंड इफ दे डोंट लाइक इट देन हाउ विल यू टीच देम। सो वंडरफुल टू सी ऑल ऑफ यू हियर, आई एम थैंकफुल। एंड अभी तो इंटरवल हुआ है लाइफ का, अभी 500 फिल्में बाकी हैं दोस्तों। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
think 16 taaliyan for the three gentlemen together. Anil ji, Subhash ji. Thank you. सबसे पहले तो अमन साहिल आप लोग इतनी खूबसूरती से इसका संचालन कर रहे हैं, इतना समय दिया आप लोगों ने, उसके लिए धन्यवाद. अशोक भाई, जो आपने अभी शब्द कहे, आई डोंट नो कि मैं उन शब्दों के काबिल हूँ या नहीं, लेकिन थैंक यू सो मच. दादा साहेब फाल्के एसोसिएशन, अवार्ड एसोसिएशन को भी थैंक यू मुझे रिकग्नाइज करने के लिए, मेरे परिवार को रिकग्नाइज करने के लिए. मैं जब अपने मैंने अपनी जब करियर की शुरुआत की तो ओवरनाइट मुझे सक्सेस मिली, स्टार्डम मिला, पैसा मिला, शोहरत मिली. और तब मैंने कभी भगवान से ये नहीं पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सब अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा लगा. लेकिन जब लाइफ में एक बहुत डिफिकल्ट पीरियड आया मेरी लाइफ, बहुत मुश्किल फेज आया पर्सनली प्रोफेशनली, तो उस समय मैं रोज कोसता था और पूछता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई मी. और एक दिन मेरी माँ मुझे सुन रही थी, कंप्लेन कर रहा था. और अक्सर जब आपको लगता है कि सब अंधेरा छाया हुआ है तो आदमी बेटा अपनी इल्यूमिनेशन के लिए, रोशनी के लिए, इल्म के लिए अपनी माँ के पास जाता है. तो माँ ने उस दिन मुझे ऐसा अनुभव, ऐसा एहसास दिलाया, वो मुझे ले गई टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल. और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में जब मैं गया तो पीडियाट्रिक विंग, जहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, 5, 6, 7 साल के बच्चे जो कैंसर की पीड़ा से जूझ रहे हैं, बाल कीमोथेरेपी की वजह से निकल गए हैं, आंखें लाल, आप बिल्डिंग बना लो बहुत बड़ी लेकिन उसे देखो कोई मुस्कुराएगा नहीं. हमारी फिल्में देख के लोग मुस्कुराते हैं, हमसे जुड़ते हैं, ये ईश्वर की बहुत बड़ी देन है, हमें वरदान है, और इसका अगर हम सही उपयोग कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया. तो तब से कोशिश यही रही है कि देश के लिए, आवाम के लिए, लोगों के लिए, अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए हम जो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं. 8 साल पहले वृंदावन में हमने गरीब बच्चियां जिनको चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन में बेचा जा रहा था, लेबर कैंप्स में, स्लेव कैंप्स में बेचा जा रहा था, उनको रेस्क्यू किया. और कई लोग पूरे विश्व से जुड़े. आज 3 स्कूल हैं, 2000 ऐसी बच्चियां हैं जिनको हम फ्री फूड, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर देते हैं. और ये सब मैं नहीं कर रहा, इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं जाता, मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए इसके लिए. मुझे लगता है मैंने सिर्फ एक कदम रखा, और वो भी एक डिवाइन एनर्जी ऊपर वाले के जो माध्यम, उनका माध्यम बन के उनकी प्योरिटी रख के मैं सिर्फ काम कर रहा हूँ, मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ. जाने से पहले मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पर्दे में चमकते हैं, सितारे, लेकिन उनसे 10 गुना 20 गुना ऐसे लोग हैं जिनको हम कभी रिकग्नाइज नहीं करते हैं. और ये अवार्ड उन्हें रिकग्नाइज करता है, ये एसोसिएशन उन्हें अवार्ड करता है, उन्हें बुलाता है इस मंच पे, उनको इज्जत देता है उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए. तो उसके लिए मैं आपको सलाम करता हूँ. और अपनी तरफ से मैं इतना कहना चाहूँगा कि कैंसर की जो पीड़ा है वो बहुत मुश्किल, फिजिकली ही नहीं बट फाइनेंशियली में भी लाती है. एक पूरे परिवार फाइनेंशियली खोखला हो जाता है. तो कैंसर को रोकने के लिए डिटेक्शन अर्ली अगर हो, अर्ली स्टेज में हो, तो बहुत बड़ी जो मुश्किल आप पर, आपके जान पर, आपकी पूरी फैमिली की लाइफ पर सही समय पर रोकी जा सकती है. तो मैं इस मंच पे आप लोगों को कमिट करता हूँ, अशोक भाई आप मुझे इसमें गाइड करेंगे, मैं हमारे इंडस्ट्री के लोगों के लिए, हमारे जूनियर आर्टिस्ट के लिए, हमारे स्पॉट बॉयज, लाइट बॉयज, अलग अलग जो हमारे एसोसिएशन हैं, उन सब के लिए फ्री कैंसर चेकअप के कैंप्स ऑर्गेनाइज करने की इनिशिएटिव लूंगा. पूरा जो खर्चा आएगा, जो भी फाइनेंस आएगा, वो मेरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को लाएंगे, हम उनको एजुकेट करेंगे और उनको हम कैंसर की पीड़ा से मुक्त करने की कोशिश करेंगे. थैंक यू सो मच. जय हिंद. थैंक यू. थैंक यू सर. पूरा जो ब्रेक सिस्टम, एक ग्राफ जो आपका बनता है, व्हिच आई थिंक यू हैव गॉन थ्रू द ग्राफ एंड टुडे यू हैव कम आउट एज अ विनर. And the winner, she is a big round of applause for Shilpa Shetty. Thank you to the Academy. Thank you very much. And yes, we have noted that this is the original, original award ceremony. Yes, thank once you. Again, this is the original one. So you should all be very happy. Thank you so much for taking time out, Shilpa.
with each passing year, you look even more lovelier than before. Let me just add on. Do I get a hug also before you go? Wow, he's getting lovely. He's a wicked guy. Because Wicked. Thank you so much. Thank you. Sona Talia, Shilpa Shetty. Well, so nice to see you here. And from doing such beautiful roles, you started doing such meaningful roles, I must say. Chalk Duster was one of the finest performances, a very good film. Thank you so much, Sahil. I think I need to start. Before I come to Chalk and Duster, I just want to say that I'm really, truly honored, one, to be here in the midst of such veterans, such senior technicians, whom I sometimes had the opportunity of working with, and then I was just so pleased that I could be here, just watching them, listening to them, like Ramesh Deoji, Rahul Ravelji, with whom I did Arjun Pandit, one of my favorite films, the Sagar family, Rajshree's, all who are attending here, I'm really honored to be here. And then, of course, as I came into the hall, I saw Sahil. And Sahil aur hum, main, acting class mein, saath. We did our first ad together, television commercial together. Haan ji, to humari bahut purani koi, shuruaat hui thi humari koi, yes. So lovely to be here with you as well. As far as films go and Chalk and Duster goes, I want to say ki maine बड़े दिल से काम किया था उस फिल्म में, मुझे वो सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा लगा. एंड आई वॉज वेरी प्लीज कि जब फिल्म बनी और जिसने भी देखी हमेशा मुझसे कहा कि बहुत ही कमाल की फिल्म बनाई है आप लोगों ने. सो इट वॉज दैट वॉज वन रिवॉर्ड. एंड देन टुडे गेटिंग द